हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक ड्रिंक लेके आई हूं जिसे लाइफ में मैंने पहली बार लिया था। मैं इसे मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूं। तो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी एक ड्रिंक शेयर किया हुआ है जिसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लिया था और मेरा एक हफ्ते में 4 kg वेट गया था। और उसी के साथ जब मैंने वो लिया, फिर उसी के साथ जब मैंने नाइट ड्रिंक लेना स्टार्ट किया, यानी उस ड्रिंक को मैंने दिन में लेना स्टार्ट कर दिया और नाइट ड्रिंक मैं अलग से लेती थी। बहुत ही जल्दी मॉर्निंग ड्रिंक भी शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ नाइट ड्रिंक शेयर कर रही हूं, क्योंकि नाइट का खाना और रात का ड्रिंक सबसे मेन होता है आपके वेट गेन होने और वेट लॉस पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। आप लोगों के साथ जो है नाइट ड्रिंक शेयर करूं, जिससे कि अगर आप वो वाला डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं और साथ में ये ऐड कर लेंगे तो वेट बहुत तेजी से जाएगा। और इस ड्रिंक से मैंने एक हफ्ते में ज्यादा नहीं, लेकिन उस ड्रिंक को और इस ड्रिंक को मिला के टोटल मैंने 6 kg लॉस किया था। यानी उससे मैंने 4 kg लॉस किया था एक हफ्ते में, और इस ड्रिंक से मैंने एक हफ्ते में 2 kg वजन बहुत ही हेल्दियर वे में लॉस किया था। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्राइडे आने वाला है, और फ्राइडे को मैं लाइफ में जो मैंने सबसे पहले सप्लीमेंट लिया था अपने, क्योंकि उस समय मेरा वेट जो ये 6 kg लॉस करने के बाद मेरा वेट रुक गया था और बिल्कुल भी वजन कम नहीं हो रहा था। जो भी मैंने ड्रिंक ट्राई की है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं करूंगी, क्योंकि उसका काम बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। और उसके बाद मैंने इन दोनों ड्रिंक के बाद मैंने कौन सा सप्लीमेंट लिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यानी कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लाइफ का सबसे पहला मेरा सप्लीमेंट कौन सा था, उसे कैसे यूज करते हैं और उसके साथ मैंने अपना वेट कितना रिड्यूस किया था, उसके बाद मेरा गेन हुआ कि नहीं, सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्राइडे को वो वीडियो जरूर देखिएगा, गिव अवे है, 10 लोगों को गिफ्ट और मिलने वाले हैं, तो ये सारी सीरीज देखना मत भूलिएगा। और फ्राइडे को भी मैं बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ कब शेयर करूंगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1/2 लीटर पानी चाहिए, मतलब ध्यान रखिएगा कि 1/2 लीटर, कि मैं 1/2 लीटर ही लेती हूँ, उससे कम नहीं लेती हूँ। तो 1/2 लीटर मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। ये जो मेरा मग है ये 1/2 लीटर का है। और अब आपको क्या करना है, गैस को अपनी ऑन करना है और इस पानी को थोड़ा सा आपको गर्म होने देना है। इसके बाद आपको जो ग्लूज वाली ग्रीन टी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रात में लूज वाली ग्रीन टी लीजिए, मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी लेती हूँ लूज वाली, सो वो आपको लेनी है। यहाँ पे ये देखिए, ये लूज वाली है, और शेषड वाली मैं दिन में लेती हूँ। तो ये आपको 2 टेबल स्पून लेनी है, क्योंकि ये आपके कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करती है और इसीलिए मैं लूज वाली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो आपको 2 टेबल स्पून यहाँ पे लूज वाली ग्रीन टी लेनी, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आपको इसी ऑर्गेनिक इंडिया की ही लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑर्गेनिक इंडिया की प्रेफर करती हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। आपको जो अदरक है विदाउट छिलका उतारे, आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है, और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी जूसी वाली लीजिएगा। अब आपको इसे ग्रेट कर लेना है, इसी में अच्छे से ग्रेट करिएगा। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी करके डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट इसका एक्सट्रैक्ट इसमें आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको एक लेमन लेना है, उसे कट करके इसका पूरा जो है जूस जो है उस मग में डालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मग में आप या तो पहले थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेमन डाल लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। डायरेक्ट अगर आप उस ग्रीन कॉफी को इस मग में डालेंगे तो आपका मग फूट जाएगा, मेरे साथ हो चुका है, 2 मग मेरे ऑलरेडी फूट चुका है। तो अब मैं जब भी करती हूँ तो या तो लेमन डाल लेती हूँ फर्स्ट, क्योंकि वो उसके जो टेम्परेचर के ग्लास के टेम्परेचर को अच्छे से सेट कर देता है, कुछ भी नहीं फूटता है ऐसा मैंने देखा है, या फिर आप थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून आप पानी डाल दीजिए। तो मैं लेमन डाल देती हूँ। आप अगर आपके पास स्वीजर नहीं है और आप नहीं इसके नींबू को निचोड़ना चाहते हो तो आप जस्ट है लेमन को ऐसे ही इसमें कट करके डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो ग्रीन कॉफ़ी है वो अच्छे से बॉयल हो रही है। 2 से 3 मिनट आप बॉयल होने को इसे टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दी मत मचाइएगा। जब आपका बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए आप अपनी गैस को धीरे करिए और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने दीजिए, ताकि अदरक का एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट सब अच्छे से इस चाय में आ जाए, यानी कि इस ग्रीन टी में आ जाए, क्योंकि अदरक को भी जूस निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस ये पत्ती वाली है तो इसको भी इसके एक्सट्रैक्ट आने में टाइम लगेगा।
तो 2 से 3 मिनट आप इसे बनाने में दीजिए। जैसे आप सबके मान लीजिए ये कर रहे हैं कि खाना सबको दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं सबको खाना वाना दे के, जस्ट आपने एक तरफ अपनी कॉफ़ी सॉरी ग्रीन टी चढ़ा दी। इसके बाद अब मैं फिर से एक बार जो गैस को तेज कर रही हूँ ताकि जो भी अगर ना हो तो चम्मच से मिला दीजिए, मैं चम्मच से नहीं मिला रही हूँ, जस्ट तेज कॉफ़ी करके सारी चीज़ों को एक बार फिर बॉयल कर रही हूँ, देन उसके बाद धीरा कर रही हूँ। और अब मेरी जो कॉफ़ी है वो लगभग मतलब लगभग नहीं बनके रेडी हो गई है और अब मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। तो अब आपको इसे स्ट्रेन करना है और आपकी जो ग्रीन कॉफी ग्रीन टी है वो बनके रेडी है। और ये मेरा नाइट ड्रिंक है और सच में जब भी मुझे मन होता है कि मैं लूज़ करूँ वेट 2 से 3 kg, मैं इसे पीना स्टार्ट कर देती हूँ और बहुत ही जल्दी मैं 2 से 3 किलो वज़न अपना कम कर लेती हूँ, जब भी चाहूँ जब भी मुझे लगता है अपनी बॉडी पर। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसे बनाना कितना इजी है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लूज वाली ग्रीन टी होती है उसे आप नाइट में ही यूज़ करिए। और इसे बनाना बहुत इजी है, जस्ट झट से बनाया और कंज्यूम कर लिया, वेट बहुत ही अच्छे से लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वेट तो मैंने सिर्फ 2 kg रिड्यूस किया लेकिन मेरे कमर के आसपास का एरिया बहुत तेजी से वहाँ का फैट मेल्ट हुआ था, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी पेट के पास ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, पेट ज़्यादा तेजी से निकल आता है और बॉडी की स्वेलिंग भी बहुत अच्छे से गई थी। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो भर भर के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नहीं कल आप लोगों से मिलती हूँ, और अपनी लाइफ का फर्स्ट सप्लीमेंट जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट उसे रिड्यूस किया था, स्किन भी बहुत ग्लो की थी मेरी, और बहुत ही सस्ता सा सप्लीमेंट है, तो वीडियो देखना ना भूलिएगा कल का। और गिव अवे भी है, अब जरूर मैं आपको बताना चाहूँगी, बार बार याद दिलाती हूँ, 10 लोगों को गिव अवे है, ऑलरेडी मैंने 10 लोगों का गिव अवे किया है। तो अगर आप उसमें नहीं शामिल थे तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, और इस कल के वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँगी कि कल की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो कब है। तो तब तक के लिए बाय बाय।